नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो जीरोधा की जो काइट एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको पता ही रहेगा, इसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो जीरोधा की जो काइट एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फिलहाल मैं जीरोधा के काइट के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ओल्ड वर्सन एप्लीकेशन है वो ऑब्सोलेट हो गया है दोस्तों, यानी कि वो बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो अगर आप काइट यूज करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूं पार्थ आपके साथ। तो जैसे कि मैं बोल रहा था दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं यानी कि शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो आपको जीरोधा के बारे में पता ही रहेगा। और काइट जो है ये जीरोधा की एक एप्लीकेशन है जो कि आप स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके ये जो शेयर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है वो कर सकते हैं। यानी कि शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कमोडिटी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और वहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है SIP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप जीरोधा की काइट यूज़ करना चाहते हैं तो इसका जो ओल्ड वर्सन है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है दोस्तों, और इसको यूज़ मत कीजिए। इसका जो नया वर्सन है काइट 3.0 वो इंस्टॉल करें, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, अगर आप गूगल प्ले में काइट सर्च करते हो तो आपको दो एप्लीकेशन जो कि जीरोधा की तरफ से है वो दिखाई देगा, एक काइट ओल्ड और एक काइट। जी हाँ दोस्तों, काइट ओल्ड जो है उसको आप इंस्टॉल मत कीजिए, वो ऑब्सोलेट है यानी कि डिसकंटिन्यू होने वाला है। आप काइट जो लिखा है वो काइट 3.0 है उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आप ये सारे फैसिलिटी जो है पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप काइट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसका अपडेटेड वर्सन जो है वो यूज करें, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग जो है वो करते हो और इसमें आपका पैसा भी बैलेंस रहता है। तो ये एप्लीकेशन जितना सिक्योर हो उतना अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये ओल्ड वर्सन वाला काइट जो है आप रिमूव कर दें और ये काइट 3.0 एप्लीकेशन जो है इसको आप इंस्टॉल करें, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा सिक्योर हो। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन काइट एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप काइट यूज करते हैं तो काइट का जो ओल्ड वर्सन एप्लीकेशन है उसको रिमूव कर दें और काइट 3.0 है जो नया वर्सन है उसको इंस्टॉल करें दोस्तों। जैसे कि पुराना वर्सन जो है काइट का वो ऑब्सोलेट है, यानी कि बहुत जल्दी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा काइट की तरफ से। तो आप सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हैं तो आप काइट का जो नया वर्सन है उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।